हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ, हमारे टिफिन कोथाओ जाबी ना, कहीं नहीं जाएगी तू। माँ, ऐसा मत कहो माँ। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाएगी तू, अब से घर में बंद रहेगी। माँ, ऐसा मत करो ना, कम से कम स्कूल तो जाने दो। स्कूल भूले जा, अब तो घर से भी नहीं निकलेगी तू। नहीं माँ, एक बार मेरी बात सुन लो। जो तेरे सिर पे भूत सवार है ना, इसे मैं उतार कर छोड़ूंगी। मैं भी माँ हूँ तेरी। ये पागलपन नहीं सहन करूंगी मैं। जब तक मैं काम से वापस नहीं आती हूँ, इसी घर में बंद रहेगी। दरवाजा बंद मत करो माँ। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जहाँ बच्चे अपने फैसलों को सही मानकर उस पर किसी भी तरह की रोक टोक सहन नहीं करते हैं, वहीं माँ बाप बच्चों के फैसलों को अपने अनुभवों के तराजू से तोलना चाहते हैं। कहना मुश्किल है कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अगर माँ बाप और बच्चों के बीच की वैचारिक दूरियां कम ना की जाएं, तो अपराध के सर उठाने की गुंजाइश बन जाती है। आज क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में हम आपको प्रिया नाम की लड़की की ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हम चाहेंगे कि वो कभी किसी लड़की की जीवन में ना घटे। अमर बेटी प्रिया घर से गायब है साहब। मैं काम पड़ती, जब घर लौटी तो घर पर नहीं थी। आप रो मत, हम पता करते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है साहब, उसको इतना समझ नहीं है, 17 साल की तो है। किसी पर शक है आपको? एक लड़का है साहब, उसी ने मेरी मासूम बच्ची को बहकाया होगा। कौन है वो लड़का? कुछ दिन पहले की बात है साहब, बहुत देर हो गई थी, वो घर नहीं लौटी, तो मैं उसकी सहेली से पूछा। उसने बताया कि सुब्रत की फोटो की दुकान पर है और हमेशा वहीं रहती है। मैं वहाँ गई तो तुझे दिन देखने के लिए पैदा किया था तुझे। मैं एक दूसरे अब मार कर रही है उसको। देखिए मैं और प्रिया एक दूसरे से। तुम तो छुप ही रहो और प्रिया के आसपास भी मत आना। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। ठीक है, आप ये फोटो यहाँ छोड़ जाइए, हमें जैसा ही कुछ पता चलता है आपको खबर कर देंगे। देखिएगा, देखते फिर वही टिपिकल केस, प्यार का चक्कर। लड़की को लड़के से प्यार हुआ और वो भाग गई उसके साथ। और सर लड़की नाबालिग भी है, यही तो समस्या है ना बासु। ये आजकल के लड़के लड़की है ना, प्यार मोहब्बत करते वक्त ना तो अपने उम्र का ख्याल रखते हैं ना ही परिवार का। और अब वो लड़की बालिग है कि नाबालिग है, ये भी हमें ही पता करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस फोटो स्टूडियो वाले के पास जाओ, देखो कुछ पता चलता है क्या। यस सर। हाँ तो 250 रुपया हुआ ना दादा। इस लड़के को पहचानता है? दादा मैं 5 मिनट बात करता हूँ। जो बोलना है ना सोच समझ के बोलना। देख जानता हूँ मैं, ये लड़की आया था इधर एक लड़का के साथ फोटो खिंचाने। कौन सा लड़का? मुझे नहीं पता सर। बोला बन रहा है, कंप्लेंट है तेरे खिलाफ। स्टूडियो का तूने ऐसी गड्ढा बना रखा है, है? अरे नहीं नहीं चल इसको। अरे नहीं साहब, पुलिस स्टेशन से मालूम पड़ जाएगा। एक मिनट साहब, ये देखो साहब, ये लड़की इस लड़के के साथ आया था साहब फोटो खिंचाने। क्या नाम इसका? बापी। कहाँ रहता है ये? साहब मुझे नहीं पता। बापी हम होटल क्यों आए? हम तो बंबई जाने वाले थे ना। अरे जाएंगे ना बंबई, पहले मेरे पास तो आ जाए एक बार। तुम भी ना। हाय हाय, जब तू शर्मा दिया ना तो और भी अच्छे लगने लगती। लेकिन सुन ना, अभी ना शर्माने का टाइम क्या, अभी टाइम प्यार करने का है। मतलब वही वही क्या पापी? अरे देख अभी ना मेरे से और नहीं रह जाता, एक बार पास आ जा प्लीज। पापी रुको पापी, अभी नहीं, देखो जो भी करना है शादी की बात है। तेरे को भरोसा नहीं है मुझ पे? पापी भरोसे की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? क्या बात है बोलना, क्या बात है? उनकी Thank you.
सर स्टूडियो के मालिक सुब्रतो के पास से जो हमें बापी की फोटो मिली थी उसे लेकर हमने आसपास की जगह पे पूछताछ की, लेकिन कोई इसको नहीं जानता है, न घर न परिवार न फोन। लेकिन सर हमारे पुलिस रिकॉर्ड में जो वांटेड क्रिमिनल्स की स्केचेस है, ये सर देखिए, सर बापी की फोटो इस स्केच से काफी मिलती जुलती है। और सर इस रिकॉर्ड के हिसाब से अब तक ये तीन लड़कियों को अपने साथ लेके भाग चुका है, काफी सिमिलर है। और प्रिया का इस लड़के के साथ भागने का मतलब ये है कि इस केस को जैसा हम समझ रहे थे वैसा ही है नहीं। नाराज है अभी तक? अरे क्या तू भी जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती है? हाँ अच्छा चल तेरी नाराजगी को अभी दूर कर देता हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे देख ना साड़ी लेके आया हूँ तेरे लिए देख। अरे क्या तू अभी भी नाराज है? अरे अपनी शादी की साड़ी नहीं पहनेगी तू? शादी? हाँ शादी, हम आज के आज जाएंगे मंदिर में और शादी करेंगे और उसके बाद सीधा बंबई दीदी के पास। बंबई? हाँ बंबई बॉलीवुड। तूने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार टन 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 टन। आज के आज? आज के आज नहीं अभी के अभी। अभी के अभी? हाँ तो मैं साड़ी पहन कर आता हूँ। फटाफट जा 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 जा। बासु, यस। इस बापी का पूरा कच्चा चिट्ठा, इसका बायोडाटा, इसके स्केचेज, फोटोग्राफ्स, जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबल है सारा का सारा आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में डिस्पैच कर दो। हमें किसी भी हालत में प्रिया को ढूंढना ही है। यस सर। अब ये विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अरे ट्रेन का टाइम हो रहा है, जल्दी चलो ना। अरे पहले भगवान से आशीर्वाद तो ले लो, आओ। एक महीना हो गया, कब पहुंचेगा तू यहाँ पर? मैडम एक मस्त माल के डिलीवरी लेके आ रहा हूँ आपके लिए। लड़की देखने में ठीक ठाक है ना? अरे क्या सोनी मैडम, आप जानते हो ना क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बापी। ठीक है, वैसे माल कहाँ पर पहुँचाना है? कविता के घर। ध्यान रहे लड़की को कोई तकलीफ ना हो। चल आप फोन रख। सुनो, तुम लोग प्रिया के बचपन के दोस्त हो ना? जी दादा। एक लड़का है बापी, उसे प्रिया अक्सर मिला करती थी, कुछ पता है तुम्हें उसके बारे? ये प्रिया और बापी के बीच में जो कुछ चलता था मुझे सब पता है। दादा इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एक बात बताऊं, प्रिया और बापी के बीच में जो नाता था ना वो मोहब्बत वाला नहीं था, उसका मकसद था प्रिया की मासूमियत का फायदा उठाना और उसने वही किया। एक बात और, ये प्रिया पहली लड़की नहीं है जिसे उसने इस तरह से फंसाया है, इसके पहले तीन और लड़कियों को उसने इस तरह से धोखा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें प्रिया ने अपने बारे में या बापी के बारे में कुछ भी अगर बताया है तो मुझको बताओ, मैं तुम्हारी मदद से तुम्हारी सहेली की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता हूँ। जी दादा, प्रिया ने मुझे बताया था। क्या बताया था? देख परी, मैं तो बहुत जल्द बम्बई जाने वाली हूँ, वहाँ खूब मजे करने वाली हूँ, लेकिन तू मुझे मत भूल जाना। हा? बम्बई? हाँ। लेकिन तुझे बम्बई कौन ले जा रहा है? बापी ले जाएगा, वादा जो किया है उसने। वो बापी, वो तुझे बम्बई क्यों ले जाएगा? प्यार जो करता है मुझसे, उसने ना मुझसे कहा है कि मुझसे शादी करेगा, बम्बई ले जाके बड़े से घर पे रखेगा और खूब घुमाएगा। क्या शादी? हाँ शादी। स्वाति? स्वाति बाबा। लेकिन तेरी अम्मा? अरे अम्मा को तो मैं समझा दूंगी जब बम्बई से वापस आऊंगी ना तब। लेकिन देख तब तक तू किसी को मत बताना, तुझे हमारी दोस्ती की कसम है। बोल, नहीं बताएगी ना? बोल। ठीक है नहीं बताऊंगी। अरे मेरी परी। देख बम्बई जाऊंगी ना तो वहाँ पे इसे तेरे लिए ना बहुत सारे नए नए कपड़े लेकर आऊंगी, तुझे भी ले जाऊंगी मुंबई, चलेगी ना मेरे साथ? लेकिन दादा वो कबर कैसे गई इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। श्वेति आ गए मुंबई। भीड़ तो होगी, शहर है बहुत बड़ा। बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसे फिल्मों में देखा था, है ना? आजा वहां से रिक्शा पकड़ते हैं। खा डांडा, खा डांडा। हाँ बैठो। अच्छा
ये बम्बई है। हाँ तो जैसा देश वैसा भेस। मतलब अभी शर्मा ना वनमाना छोड़ और मुझे जो करना है वो एक बार करने देना। तो अभी छोड़ो, वो रिक्शा वाला देख रहा है। हाँ तो क्या हो गया, उसको देखने दे। ये मुंबई है पगली, यहाँ पर सब चलता है, खुल्लम खुल्ला चलता है, तू टेंशन मत ले। अच्छा, अरे छोड़ने के लिए शादी थोड़ी की है मैंने तुझसे। हाँ बस 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 बस, आ जाओ। कितना हुआ? 160 हुआ क्या? 160, ये लो। 160 यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। आओ ये दीदी का। प्रिया ये कविता दीदी है, मेरी बहन। अरे बस बस रहने दो, खूब खुश रहो, कितनी सुंदर है। मानना पड़ेगा बापी, तेरी पसंद एकदम लाजवाब है। नजर ना लगे किसी की। प्रिया ये इनके देवर है जी। नमस्ते, नमस्ते। अरे प्रिया तुम तो सफर से थक गई होगी ना, आ जाओ अंदर थोड़ा आराम कर लो। आ जाओ मेरे साथ। चलो चलो। हाँ बोल। हम पहुंच गए यहाँ पर। गुड, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं मैडम, रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई, आपका माल एकदम सही सलामत है। वेरी गुड, जब तक मैं ना बोलू ना तुम दोनों वहीं रहना, समझ गए ना? कोलकाता पुलिस ने जब बापी के बारे में तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि ये लड़का पहले भी कई मासूम लड़कियों को बहला फुसला कर भगा चुका है। बापी प्रिया को लेकर मुंबई के लिए रवाना हो चुका था, ये बात कोलकाता पुलिस को रेलवे स्टेशन से पूछताछ के बाद पता चल चुकी थी और कुछ लोगों ने उन्हें मुंबई की ट्रेन में बैठते हुए भी देखा था। इस केस की कड़ियों को सुलझाने के लिए और बापी नाम के शख्स को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए कोलकाता पुलिस तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो गई। बासु इस धंधे में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो अकेले लड़कियां सप्लाई करते हैं और दूसरे वो जिनका अपना गैंग होता है। सर सवाल ये नहीं कि वो लड़का अकेला है या किसी गैंग के लिए काम करता है, सर सवाल उस लड़की की जिंदगी का है। तुम फिक्र मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी मदद करेंगे। सावंत ये फोटो और डिटेल्स सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। हो सर। अगर वो मुंबई में है तो आज नहीं तो कल ट्रेस जरूर हो जाएगी। बासु इस कुर्ला स्टेशन से हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, इस तरह तो पता नहीं चल पाएगा कि वो लोग मुंबई में कहाँ उतरे और किधर गए। सावंत एक काम करो, रेलवे अथॉरिटी से बात करके यहाँ का सारा सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ, और हाँ वो ट्रेन मुंबई में यहाँ से पहले कल्याण भी रुकती है, वहाँ का फुटेज भी निकलवाओ। यस सर। सर ये देखिए कुल्ला रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में ये दोनों आ गए। सर ये देखिए, ये रहे वो दोनों। थोड़ा रिवाइंड करो, पॉज करो, इस ऑटो पे जूम करो। आरटीओ से इस ऑटो की डिटेल्स निकलवाओ और उस ऑटो वाले को ले आओ। यस सर। प्रणाम माँ, मैं तुम्हें बिना बताए इस तरह चली आई, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मैं यहाँ बम्बई में हूँ और हमने मंदिर में शादी कर ली है। माँ तुम जैसा समझती हो बापी वैसा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत प्यार करता है। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं एकदम अच्छी हूँ और बहुत जल्द तुम्हें भी यहीं बुला लूँगी। तुम्हारी प्रिया। ए! क्या कर रही है तू, जा जल्दी से फटाफट तैयार हो जा जाकर। क्यों कहीं जाना है? हाँ आज बम्बई दर्शन कराऊंगा तुझे। वाह बम्बई दर्शन,
चल प्रिया, आज मैं तुझे अपने हाथों से और अपने तरीके से तैयार करती हूँ। ठीक है दीदी। अच्छा सुनो, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ये चिट्ठी ना माँ को भेज देना, हाँ याद से। हाँ ठीक है, भिजवा दूंगा। चल भी तू जाकर जल्दी फटाफट तैयार हो जा, देर मत कर। तब तक मैं बाहर जाकर अपना काम निपटा देता हूँ और तेरा ये खत भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ठीक है। आ जाओ प्रिया, सुंदर सा सूट देती हूँ तुमको। आजी आओ। सर सर, यही है वो ऑटो वाला, उन दोनों को कुर्ला स्टेशन से यही लेके गया था। उस दिन तुम्हारी ऑटो में ये दो लोग बैठे थे, याद है? हाँ हाँ साहब, बैठे थे दोनों। रोज कितने कस्टमर्स को बिठाते हो? साहब हो जाते हैं कोई 30 से 40। उन 30-40 कस्टमर्स में से तुमको ये दोनों बराबर याद रह गए? वो क्या है ना, ये जो लड़की ना कम उम्र की थी और ये जो लड़का है इसे रास्ते पर छेड़ रहा था और मैं सब शीशे से देख रहा था, इसलिए याद रह गया। कहीं बाहर गांव से आए थे साहब, और एक बैग भी था उनके हाथ में। कहाँ छोड़ा उन दोनों को? खारदांडा। बोलो। साहब यहीं पर छोड़ा था। यहाँ से कहाँ गए? वो दोनों इस गली में चले गए थे। चलो जी, आप लोग कौन? क्या मस्त माल है यार। ओ सही चीज जुड़ो। ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे दीदी। किन्नी मारती है और तो पैसे लेकर नाटक कर रही है, मारेगी मुझे तू? दीदी दीदी देखिए ना, ये दोनों बदतमीज पता नहीं कहां से आके कह रहे पैसे दिए मेरे लिए। एकदम चुप, मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सेठ माफ कीजिएगा, ये लड़की नई है धंधे में, देख लीजिएगा। दीदी 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 दरवाजा खोलिए दीदी, मुझे आप अकेले मत छोड़िए इनके साथ दीदी प्लीज। बच्चे दीदी 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 छोड़ो मुझे प्लीज प्लीज। सुनिए भाई साहब, इस लड़के को कहीं देखा आपने? इसका नाम बापी है, ये लड़की का नाम प्रिया, इसको भगा के लाया यहाँ पे। नहीं सर, हमने कहीं नहीं देखा। कविता कहाँ है? वो रहे थे। कविता, प्रिया कहाँ है? अंदर है, क्या हुआ? अरे पुलिस ढूंढ रही है मुझे। क्या? अरे हाँ, वो औरत यहाँ पर ढूंढते ढूंढते आ गए ना, तो आफत हो जाएगी यार। मुझे बाहर निकालना पड़ेगा उसको, बाहर निकालना पड़ेगा। प्रिया रो मत, मैं आ रहा हूँ। रो मत, मैं आ रहा हूँ। तू डर मत, मुझे पता चल गया कि कविता दीदी ने क्या सलूक किया है तेरे साथ। बहुत गलत किया उसने। तू रो मत, देख देख तुझे यहाँ पर लाना मेरी गलती थी, लेकिन तू डर मत, मैं तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से, मैं तुझे लेके चला जाऊंगा यहाँ से, मैं लेके जाऊंगा।
कौन? पुलिस, दरवाजा खोलो, खोलो। अरे साहब आप ये लोग कुठे? मायत नहीं साहब। अच्छा तुझे नहीं पता? अरे साहब देखिए ना, मैं तो ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, वो भी लड़कियों का। लड़के तो यहाँ आते ही नहीं है, और ये लड़की तो यहाँ कभी नहीं आई है। इस लड़की का नाम प्रिया है और ये बापी है जो इसको बहला फुसला कर यहाँ लेके आया। क्या बात कर रहे हैं साहब, मैं बोली ना आपको ये लड़की यहाँ कभी नहीं आई है। आई है कि नहीं आई है वो हम खुद पता कर लेंगे। बगा सगड़ी कड़े। सर सर सुनिए तो सही, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? सर सब पर... सावन कुछ मिला? नो सर। कोई पीछे की तरफ रास्ता है, कोई खिड़की है जहां से भाग सकता है? सब सब देख लीजिए। नहीं सर। सर सर एक मिनट यहां पर आइए। तुम्हारा ब्यूटी पार्लर कहां छुपा के रखा है दोनों को? सीधे सीधे बोलोगी या इनसे बुलवाऊं? माफ कर दीजिए साहब, बापी यहीं था पर अब वो उस लड़की को लेकर कहां गया है मुझे नहीं पता। अच्छा अब तक तो तुम्हें यही नहीं पता था कि बापी कौन, और अब वो चला भी गया। सारी कहानी शुरू से एंड तक बता दो। बताती हूँ साहब, बताती हूँ। बापी पिछले कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है। वो गांव से लड़कियां लेकर आता है और मेरे पास यहाँ धंधे के लिए छोड़ देता है। बापी रहता कहाँ है? मोबाइल नंबर क्या इसका? सब मुझे नहीं पता बापी कहाँ रहता है, मोबाइल नंबर नहीं पता मुझे। तो तुमसे धंधे के लिए बात कैसे करता था? साहब बापी मुझे कभी कभार ही फ़ोन करता था, और कभी करता तो लैंडलाइन से, और 6 महीने से तो वो आया ही नहीं, फ़ोन भी नहीं आया। कुछ दिन पहले आया तो बिना कॉल किए सीधा लड़की लेकर आ गया। वापस झूठ? नहीं साहब, वो क्या है ना, हमारे धंधे में कोई रिस्क नहीं लेता। सावन या मुलीना हॉस्पिटल ला पटवाणी, इनको पुलिस स्टेशन लेके चलो। साहब साहब सुनिए तो। मैडम खुद चलेंगी या लेके चलो? पर साहब सुनिए तो। सावन ऐसा करो कि इस बापी की फोटो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पे दे दो, देखते हैं कब तक भागता है हमसे। यस सर। और सुनो। हेलो साहब, मेरी बेटी का कुछ खबर पता चला? आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया साहब, अभी भी प्रिया का कुछ पता नहीं चला, कि जाने किस हालत में होगी मेरी बेटी। साहब मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं आज ही बम्बई के लिए निकलती हूँ साहब। हम लोग हैं यहाँ पर, आपको आने की जरूरत नहीं है। कविता तक तो पुलिस पहुँच चुकी थी, लेकिन बापी अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में वेश्यावृत्ति के घिनौने धंधे में फंसी कुछ लड़कियों की जिंदगी तो बच गई थी, लेकिन प्रिया की जिंदगी अब भी खतरे में थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से मीलों दूर कोलकाता में प्रिया की मां अपनी बेटी की चिंता में खुद मुंबई जाने की तैयारी कर चुकी थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर बापी कविता के घर से प्रिया को लेकर कहां गायब हो गया था। थैंक यू।
मुझे घर जाना है माँ के पास। अरे आएंगे ना बाबा, मैं खुद लेकर जाऊंगा तुझे माँ के पास, ठीक है? अभी लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना। एक काम कर, तू बैठा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, मैं पानी लेके आता हूं तेरे लिए। प्रिया, कविता ने जो किया है ना तुम्हारे साथ, बहुत गलत किया है। देखना, उसको बहुत बुरी सजा मिलेगी इसके लिए। भगवान कभी माफ नहीं करेगा उसे, मैं भी कभी माफ नहीं करूंगा उसको। चलिए पानी पी, पी लो, पी लो। तुम तो ना, क्या हो गया? देता है या इसके बारे में आपको कुछ भी पता चलता है तो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचित करें या फिर नीचे दिए हुए नंबर पर मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करें। हाँ मैडम, तेरे को मालूम है तेरा उस लड़की का न्यूज आ रहा है टीवी पर, वो भी फोटो के साथ। मतलब तुम लोग है कहाँ? मैं ये संतोष के होटल में। तुम दोनों वही रहना, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता है तब तक वहां से निकलने की कोशिश भी नहीं करना। हाँ ठीक है मैडम। मैडम कोई दरवाजे पे है? कौन है? मैं संतोष। तेरे को मालूम है तेरे और इस लड़की की फोटो टीवी पर आ रही है? हाँ, मैडम ने वही बोला। हाँ हाँ मैडम। कौन है वो? संतोष है। बात करा जल्दी से। हाँ देता हूँ, मैं बात कर। हेलो। देख बापी और वो लड़की कुछ दिन तक तेरे होटल में ही रहेंगे। ठीक है मैडम। मैं जल्द से जल्द इन दोनों को शिफ्ट कर देती हूँ। कोई वादा नहीं। देख कुछ भी हो जाए धंधा बंद नहीं होना चाहिए, समझ में आया? जितना कमा सकता है उस लड़की से कमा, नशा दे या कुछ भी दे लेकिन धंधा चालू रहना चाहिए। ओके मैडम। क्या बोले? मैडम ने तुम दोनों को यहीं पर रुकने के लिए कहा। सर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लड़का बापी प्रिया को लेकर खुलेआम घूम रहा है, इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई उसकी मदद कर रहा है। सही कह रहे हो, पुलिस को इतनी आसानी से चकमा देना किसी एक अकेले के बस की बात नहीं। हमें कविता को फिर से इंट्रोगेट करना चाहिए। मुझे लगता है वो कुछ ऐसा जानती है जो वो हमें बता नहीं रही है। बता इस धंधे में कौन कौन है तेरे साथ? बोल कौन है इसके पीछे? एक सोनी नाम की औरत है, वो ये सब कुछ चलवाती है। कहाँ रहती है ये सोनी? मैं तो कभी उससे मिली भी नहीं हूँ, फोन पे बात भी नहीं हुई। बापी सोनी के लिए दलाली का काम करता है। मैं सिर्फ बापी को जानती हूँ साहब, बापी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने। साहब मैंने सब कुछ बता दिया, जितना मुझे पता था सब कुछ बता दिया मैंने साहब। पुलिस के लिए बापी और प्रिया को ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। बापी एक मिडिलमैन की तरह एक बड़े रैकेट के लिए किसी सोनी नाम की महिला के लिए काम करता था। इस धंधे में शहर के कई ब्यूटी पार्लर्स और छोटे होटल्स मिले हुए थे।
जहां से इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन सोनी का कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था और ना ही उसे किसी ने देखा था, और वो पर्दे के पीछे रहकर इस सारे रैकेट को मैनेज कर रही थी। पुलिस ने इससे निपटने के लिए एक आखिरी रास्ता चुना, उन्होंने एनजीओ की मदद ली। आपने जो बातें बताई उसके मुताबिक हमें सबसे पहले उन जगहों पर रेड करनी चाहिए जहां इस तरह की एक्टिविटीज अक्सर होती रहती हैं। इसीलिए स्वाति जी, हमें आपकी हेल्प चाहिए थी। आप उन जगहों की निशानदेही कीजिए जहां आपको शक है कि वहां लड़कियों को ला करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस घिनौने काम में लगाया जाता है। हमारी संस्था आपकी पूरी मदद करेगी। प्रिया, हाँ? प्रिया, देख सुना की एनर्जी तो जन्ना क्या है ना, बोल ना। पा, खूब सुंदर बात लग चुला। मेरी बेटी को नजर ना लगे। घर जाना है। आज के बाद यही घर है तेरा। अच्छा, वो रविराज से बात की थी ना तुमने? हाँ। क्या बोला वो, कब तक आए? पापी रहम करो, मुझे मेरी माँ के पास। बेहोश हो गई, उसको उठा उठा, जल्दी उठा। प्रिया, प्रिया, अगर इसको कुछ हो गया तो मांदे हो जाएंगे। एक काम कर, डॉक्टर को बुला कर ला तू। हाँ। और सुन सुन सुन, उसको शक नहीं होना चाहिए। हाँ, संभाल के जा जा जा। प्रिया, प्रिया,
इतनी रेड्स की, सर्च ऑपरेशन किए, इतने सेक्स रैकेट्स एक्सपोज कर दिए, लेकिन बापी और उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं वो उसे लेकर कहां चला गया। और सर सोनी, उसका भी तो कोई पता नहीं है। जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास ना कोई नंबर है और ना ही कोई जानता है। ये कौन है आपकी? डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ है। हमारी अभी अभी शादी हुई है। वैसे क्या हुआ डॉक्टर साहब इसे? देखिए, ये बहुत ही कमज़ोर है, खून की कमी है इनमें। इन्हें अभी के अभी अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया, तो कुछ भी हो सकता है। बहुत ही इमरजेंसी केस है डॉक्टर साहब। वो थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम था। मैं कल सुबह तक अरेंज कर दूंगा। मैं कल सुबह इसको एडमिट कर दूंगा डॉक्टर साहब। आप अभी के लिए अगर हो सके तो कुछ दवाई लिख के दे दीजिए ना। अरे अम्मा, आपको तो मैंने मना किया था आने के लिए ना। मैं नहीं रह सकती अपनी बेटी के बगैर साहब। कुछ पता लगा कहाँ है, कैसी है मेरी बेटी? अम्मा, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप चिंता मत करो, मिल जाएगी। ना जाने किस हालत में होगी मेरी बच्ची। मैं डॉक्टर अस्थाना बोल रहा हूँ। मैं अभी एक होटल से एक लड़की का चेकअप करके आ रहा हूँ। ये वही नाबालिग लड़की है जिसकी न्यूज टीवी पे दिखाई जा रही है। अब इसका क्या करें? एक काम करते हैं, इसे अस्पताल लेके चलते हैं। पागल हो गया क्या तू? अस्पताल ले जाएंगे और किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। सब जानते हैं हमारे बारे में यार। इसको कहां ले जाना है मुझे पता है। उठाओ, उठा, आराम से, आराम से, आराम से, संभल के, संभल के, उठा, आराम से, संभल के, संभल के, संभल के। लड़की ने काम फंसा दिया यार। पापी, क्या छुपके बैठा है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया। तू ये लड़कियां कहां से आई? मैंने कुछ नहीं किया साहब। लड़कियों को फंसा के यहां लेके आता है? सब पता चल जाएगा। चल लेके जाओ इसको, इसको भी लेके जाओ। चल, कुछ नहीं यार। सोनी के लिए काम करता हूँ साहब। वो ही सब कुछ करवाती है साहब हमसे। मैं तो बस लड़कियों को ले जाकर उसके दिए गए ठिकानों पर दे देता था साहब। हमको ट्रेनिंग मिली थी साहब। कैसी ट्रेनिंग? और कितने लोग हैं तेरे साथ? मैं अकेला नहीं हूँ साहब। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं साहब उसके लिए। वो हमको ट्रेनिंग देती थी साहब कि लड़कियों को किस तरह से फंसाना है, कैसे फंसाना है। देखो, हर लड़की नहीं फंसती। ऐसी लड़की फंसती है जो मासूम हो, नादान हो, जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप में से कोई मर गया हो, वैसी लड़की फंसती है। समझ गए ना तुम लोग? और तुम दोनों बिहार जाओगे और तुम बंगाल। उनसे शादी करो या शादी का वादा करो। तुम सबका काम है उन्हें मुंबई लेके आना। तुम्हारा रहना, खाना, नौकरी सबका इंतजाम हो चुका है यार। या शादी का झांसा देकर मुंबई ले आते थे साहब। तो यहाँ पर लाने के बाद हम लोग सोनी के दिए गए ठिकाने पर लड़कियों को दे देते थे साहब। बस उसका बहुत बड़ा गैंग है साहब। वो मिलती नहीं है वैसे किसी से, फोन पे ही बात करती। मैं भी एक दो बार ही मिला हूँ साहब उससे। और कितनी लड़कियों को इस तरह से तूने फंसाया? याद नहीं है साहब, लेकिन बिहार और कलकत्ता की बहुत सारी लड़कियाँ लाकर दिए मैंने सोनी को। ये सोनी रहती कहाँ? जी आप लोग कौन? पुलिस। चलो हमारे साथ।
गया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो मुझे। प्रिया मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, तू सही सलामत है, ये मेरे लिए बहुत है। बापी के पकड़े जाने के बाद मुंबई पुलिस ने सोनी को भी हिरासत में ले लिया था। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जिस तरह से इस प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रैकेट को चलाया जा रहा था, वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला सच था। इस जुर्म की शुरुआत दरअसल उसी वक्त हो चुकी थी जब प्रिया ने बापी के बारे में अपनी माँ से कोई बात शेयर नहीं की। माँ बाप और बच्चों के बीच बढ़ते इस कम्युनिकेशन गैप का फायदा अक्सर बापी जैसे मौका परस्त क्रिमिनल्स उठाते हैं। संवाद की कमी हमेशा लोगों के बीच में खाई का काम करती है। बच्चे यदि माँ बाप से वैचारिक रूप से दूरी बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अपराध उनके आसपास अपना सर उठाने लगता है। सच्चा प्यार अपनों से मिलता है, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल। सबक एक को सीख हम सबको। जय। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।